गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, कैरेक्टर्स, कंपनी नेचर, टाइप शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर टाइप्स, रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं, बट टुडे वी आर गोइंग फॉर द थियोरेटिकल पोर्शन, दैट इज़ द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। मीनिंग, अ कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एस्टैब्लिश थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ एंड इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेम्बर। मीन्स कंपनी और जो ऑनर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इट हैज़ अ शेयर कैपिटल विच इज़ डिवाइडेड इन टू शेयर्स। जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको स्मॉलर पार्ट्स में हम डिवाइड करके रखते हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। The owner of these shares are called the shareholders or members. Companies Act जो define करती है हमारी section 2 subsection 20 of Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. As the term company has not been explained in the Companies Act, so the term has been explained by citing the definition given by Professor Heine. Professor Heine says a company is an artificial person created by law having separate entity with perpetual succession and a common seal. Means company एक artificial person है जो law से create हुआ है, उसकी identity separate है, existence उसका separate है, perpetual succession है, means ये कभी नहीं मरेगी, and a common seal. तो company की पहचान उसकी stamp है, company की seal है. What are the features of a company? First one is incorporation. The most essential feature of a company is that it is formed and registered under law, that is Companies Act. Now, the law considers it as an artificial person. मतलब कंपनी की नज़र में, जो कानून की नज़र में कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल इंसान है. सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स और मेम्बर्स. यानी कि अगर सारे मेंबर एक साथ हमारे किसी एक्सीडेंट में डेथ भी हो जाए तो कंपनी विल एग्जिस्ट. परपीचुअल सक्सेशन, तो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो कभी अफेक्टेड नहीं होती है बाय द बैंक्रप्सी और डेथ और एनी अदर रीज़न. जैसा कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा, कंपनी चलती रहेगी. लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. फॉर एग्जाम्पल, राम होल्ड्स 100 शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच बट पेड 7. ही कैन बी कॉल्ड अपॉन ₹3 पर शेयर. तो मीन्स राम के पास ₹10 का एक शेयर है, कंपनी किसी भी केस में ₹10 से ज़्यादा राम से नहीं डिमांड कर सकती है, नहीं कॉल कर सकती है. फिफ्थ पॉइंट इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. कंपनी की जो शेयर्स हैं, जो शेयर कैपिटल है, वो हम जानते हैं कि डिविजिबल हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स में. वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं. कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन शेयर ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू, बेचना चाहे तो बेच सकता है. कॉमन सील, कंपनी हैज़ अ कॉमन सील. मतलब कंपनी की एक अपनी स्टैम्प है. कंपनी के जो भी कम्युनिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस पर वो स्टैम्प कंपनी की होनी ज़रूरी है, उसके बाद साइन. सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट, तो कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन मैनेजमेंट को जो देखता है डे बाई डे वर्किंग, जो कंपनी की सारी डील करता है, वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? प्रोफेशनली एक्सपर्ट लोग होते हैं जो कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स गवर्न और मैनेज करते हैं. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी. थैंक यू.